गुड मॉर्निंग। आइए आज हम बात करते हैं बेसिक टेक्निकल कोर्स आईटीआई के बारे में। बेसिक टेक्निकल कोर्स जो होता है वो आज बात करेंगे आईटीआई। आईटीआई की बहुत लोग जानते नहीं होंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आइए हम उसको पहले क्लियर कर देते हैं कि आईटीआई कोर्स क्यों जरूरी है, आईटीआई करना आवश्यकता क्या है, ये सारी चीजें हम आज बात करेंगे। आईटीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारा ये कोर्स जो है ये गवर्न करता है डीजीटी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये डीजीटी जो होता है इसके अंदर में ये अंडर दी डीजीटी रहता है एमएसडी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनरशिप। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करता है, ये एमएसडी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अंडर आईटीआई कोर्स। इन सेवरल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेस एंड नॉन टेक्निकल स्ट्रीम्स या डिसिप्लिन्स। ट्रेड्स आप लोग को पता होगा या जानकारी नहीं होगा, ये कोर्स की जो करने के लिए अभी हमारा भारतवर्ष में टोटल लगभग अराउंड आईटीआई इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूशन लगभग 14,955 है, जिसमें सीट है 36,09,915 और अराउंड ट्रेड जो है ये लगभग 126 ट्रेड है एंड अभी जो यूटिलाइज्ड हो रहा है सीट यूटिलाइज्ड जो हो रहा है अराउंड 50% लगभग 50% 15,14,852
ये SO2 से अराउंड 50%। कहने का मतलब हमारा पास जो बेसिक कोर्स होता है, दिस इज कोर्स बेसिक टेक्निकल, ये जो आईटीए को हम लोग बोलते हैं बेसिक टेक्निकल कोर्स। आइए हम बात करते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी जो है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8th क्लास और 10th क्लास और 12th क्लास, आइदर फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या स्टेट लेवल बोर्ड, ये आईटीआई डिफरेंट ट्रेड के लिए हम लोग इलिजिबल हो जाते हैं कि हम कौन सा कोर्स करेंगे उसी हिसाब से 8th से 10th से 12th हिसाब से इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिसाब से जो कोर्स डिफाइन है डीजीटी की द्वारा उस कोर्स को हम इलिजिबल हो जाएंगे। ये कोर्स जो है ये डिग्री नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए, ये एक जीके की भी तरह है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। और इसकी जो ड्यूरेशन होता है आप लोग को अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग होता है, 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स और कुछ कोर्स भी आज का डेट में 3 इयर्स तक भी ये ड्यूरेशन है। इसकी एज लिमिट जो होता है ये 14 साल उम्र से लेकर ईयर से लेकर 40 साल उम्र तक आपने ये कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कोर्स फीस लगेगा, ये कोर्स फी जो लगेगा ये वैरी करता है गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तक। आरएस 1600 रुपया से लेकर 1600 रुपया से लेकर करीब 71,000 तक ये भारी करेगा पर ईयर, डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशन एंड ग्रेडेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट गवर्नमेंट या सेल्फ फाइनेंस, वो डिपेंड करता है। अगर ये कोर्स को आप कर देते हैं, ये कोर्स की जो अथॉरिटी है, कोर्स की सर्टिफिकेट अथॉरिटी, आइदर एससीबीटी और एनसीबीटी, ये अथॉरिटी होते हैं। जबकि अगर आप इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी वेरी वेरी हाई नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो इन ओवरसीज वेरी हाई। एंड इसकी जो पैकेज चालू हो जाता है, ये पैकेज जो शुरू हो जाता है, ये आपको फ्रेशर्स के लिए आप 8,000 से लेकर 15,000 तक पर मंथ फ्रेशर्स के लिए शुरू हो जाता है। रही बात अगर हायर स्टडी करने का मनसा है, हायर स्टडी की स्कोप है इसमें, हायर स्टडी स्कोप अगर कोई पूछे, देन आपकी हायर स्टडी स्कोप जो है आप बी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो,
आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, डिप्लोमा कर, डिप्लोमा सीटीआई कर सकते हो, डिप्लोमा सीटीआई कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा सीआईटीएस कोर्स कर सकते हो। ये सब कोर्स आप आईटीआई के बाद आप आराम से कर सकते हो। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट जो एग्जाम कंडक्ट करता है, ये सर्टिफिकेट की जो एग्जाम कंडक्ट करता है, एग्जाम जो होता है, तो ये एग्जाम जो है इसको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम बोला जाता है। ट्रेड टेस्ट दैट इज AITT एग्जाम बोला जाता है। ये ओरिजिनल और इसको ऑर्गेनाइज जो करता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय NCVT, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये भी याद रखिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। आइए हम लोग ये कोर्स करके हम सेल्फ डिपेंडेंसी भी हो पाएंगे, हम इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, हमारा खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। बहुत सारी कोर्सेस हैं, 126 कोर्स है। और ये आपको आईटीआई की मैंने एट ए ग्लांस ब्रीफ दिया, इसमें कौन सा ट्रेड में क्या क्या सिलेबस रहता है। आइए मैं एक दो सिलेबस में आपको रूबरू कराऊंगा। उसके लिए अगर आपको जानकारी डिटेल्स मेरे को चाहिए, आप मेरा YouTube चैनल को, मैं बहुत सारी आईटीआई एग्जाम के बारे में पोस्ट किया हूं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा YouTube में ये फ्री चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। इट इज ए मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल टू द हेल्प टू द सोसाइटी। आइए PK@PKB2023 इसको आप सब्सक्राइब करिए। मेरा जो नोटिफिकेशन आप लोग को आते रहेगा, और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिए, देखिए मेरा नोटिफिकेशन आते रहेगा। और आप लोग को आईटीआई कोर्स करने के बाद कैसे जॉब अटेंड करना है, जॉब में कैसे आप इंटरव्यू देना है, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे सर्च करना है, मैं डिटेल आप लोग को बताते रहूंगा। और आप लोग को नोटिफिकेशन जाते रहेगा, और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी फायदा आप ले सकते हो, और आपको पल पल में मैं रूबरू कराते रहूंगा। आइए फिर हम रिमेनिंग जो बैलेंस क्लासेस में हम आप लोग को बताएंगे कि एनुअल एग्जामिनेशन में पास मार्क क्या है, फुल मार्क क्या है, आपको कितना स्कोरिंग करना है, कैसे करना है, वो सारी मैं बताऊंगा। आइए आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आपको आएगा।